हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काव्या और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो ग्रीन विद काव्या में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिफिनवेकिया के प्लांट की प्रोपगेशन देखेंगे, किस तरह से आप डिफिनवेकिया के प्लांट को कटिंग के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस प्लांट को थोड़ा जान लेते हैं। डिफिनवेकिया प्लांट ये डमकिन प्लांट इंडोर प्लांट के लिस्ट में काफ़ी ऊपर आता है। इस प्लांट को ज़्यादातर इंडोर रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच प्लांट है। जो एयर पॉल्यूटेंट्स आपके हवा में मौजूद होते हैं, इन्हें ये अपने लीव्स के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। इस प्लांट को अगर आपने घर के अंदर रखा है तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए, इस प्लांट के अंदर एक लिक्विड होता है, सांप होता है, जो बहुत ही पॉइजनस और टॉक्सिक होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं, उनकी पहुंच से इस प्लांट को दूर रखिए क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस होता है। डिफिनवेकिया के प्लांट में कई सारी वेराइटी होती है, लेकिन लगभग सारी वेराइटियों में जो स्टेम होती है इसकी, वो एक ही जैसी होती है। जो पत्ते होते हैं वो आपको अलग पैटर्न में या अलग कलर्स में मिल सकते हैं। डिफिनवेकिया के प्लांट में जो स्टेम होती है वो बहुत ही मोटी होती है और इस तरह से रिंग्स होती हैं। आप जो भी वैरायटी इसकी देखेंगे उसमें स्टेम लगभग एक तरीके की ही होगी, लेकिन उस पर इस तरह से रिंग्स बने होंगे। डिफिनवेकिया के प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। आप इस प्लांट को जब घर के अंदर रखते हैं तो किसी भी कोने में रखिए जहाँ पर सनलाइट आती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। ऐसी जगह मत रखिए जहाँ पे अंधेरा हो, नहीं तो आपका जो प्लांट है वो आपको कुछ दिनों में लेज़ी सा दिखने लगेगा या फिर अंदर ही अंदर गलने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलता। इस प्लांट के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल बहुत अच्छी रहती है। इस प्लांट का झुकाव रोशनी की तरफ होता है, तो अगर आपको चारों तरफ से इस प्लांट में पत्तियां चाहिए तो आप इस प्लांट को घुमाते रहिए हर 2 से 3 दिनों में। नहीं तो क्या होगा कि जिस तरफ रोशनी आ रही है उस तरफ पत्तियां आएंगी, लेकिन जिस तरफ अंधेरा है या जहां रोशनी नहीं पड़ रही है वहां ये खाली सा हो जाएगा, वहां पत्तियां कम आएंगी और इस जो प्लांट का जो झुकाव है वो एक तरफ हो जाएगा। इस प्लांट की प्रोपेगेशन कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से की जा सकती है। बेस्ट टाइम जो होता है वो स्प्रिंग के बाद होता है, आप कभी भी इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। हालांकि सर्दियों में आप इसे अवॉइड कीजिए क्योंकि सर्दियों में डोमेंट पीरियड होता है, उस समय ये प्लांट ग्रोथ नहीं करता, बल्कि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो नीचे से गलने लगती हैं और धीरे धीरे जब तक आपकी सर्दियाँ जाएंगी, 3-4 पत्ते आपके गल चुके होंगे, तो उस टाइम पे आप इसे प्रोपेगेट करना अवॉइड कीजिए क्योंकि उस टाइम पे रिस्की होता है, सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। चलिए अब इस प्लांट की प्रोपेगेशन देखते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा डिफिनवेकिया का प्लांट और करीब 2 साल पहले इस प्लांट को मैं घर लेकर आई थी। तब ये बहुत ही छोटा था, करीब 1 फीट का प्लांट था, बहुत छोटा सा, 2 ही पत्ते उसमें थे। और अब देखिए 2 साल बाद ये किस तरह से इतना बड़ा हो चुका है और इसकी स्टेम कितनी स्ट्रॉन्ग और मोटी हो चुकी है। इसके पत्ते भी देखिए कितने सुंदर आते हैं, नीचे से ये इस तरफ से है। अब ये ऐसा हो गया है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा भी हल्का सा धक्का लगाऊंगी या फिर ये कहीं भी थोड़ा सा इसको टच होगा तो ये इस तरह से गिर जाएगा। बहुत ज़्यादा लेगी सा हो रखा है क्योंकि नीचे खालीपन है और जो भी पत्ते आ रहे हैं, इसके नए पत्ते, वो ऊपर से आ रहे हैं। तो मैं इस प्लांट को प्रोपगेट करना चाहती हूँ, इसको 1 से 2 या 3 में कटिंग करके इसे मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। ट्राई करूँगी कि मैं उसे एक अच्छा शेप दे सकूँ शुरुआत से ही। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हाथों में ग्लव्स पहन लेने हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस प्लांट के साथ आप जब भी काम करें तो आप ग्लव्स हमेशा पहनें, क्योंकि इसके अंदर से जो भी लिक्विड निकलेगा वो हार्मफुल होता है, आपके हैंड्स को इचनेस दे सकता है। तो उस सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप हाथों में ग्लव्स पहनिए। और जो भी आप कटिंग के लिए आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कटर है या नाइफ़ है, आप उससे मेक श्योर कीजिए कि यूज़ करने के बाद उसे आप अच्छे से वॉश करेंगे और तब आप उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टेम को मैं नीचे से काटूंगी, उसके बाद मैं एक एक करके ऊपर से कटिंग अलग करना शुरू करूंगी। तो मैं इसको इतना छोड़ दूंगी ताकि इतना सा ये इसी पॉट में ग्रो करे, और इस तरह से मैं काटूंगी कि इसकी जो ये नॉड्स हैं, ये जो नॉड्स होती हैं, इसे आई भी कहते हैं, इनमें से जो नए बर्ड्स आते हैं वो ये उनके लिए होती है, तो 1 या 2 बर्ड इसमें रहे। तो चलिए काटना शुरू करते हैं।
और अब जो मेरे पास ये कटिंग बच गई है इसमें से भी अब मैं 3-4 पीसेस काट के अलग कर लूँगी। और ये देखिए मैंने इसके नीचे पेपर रख लिया है ताकि मेरी टेबल ख़राब ना हो, क्योंकि मैं नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए इसे काटते हैं। एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए कि जो भी पार्ट आप कटिंग करेंगे उसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट आपको याद रखना है, कौन सा ऊपर का है कौन सा नीचे का है। तो इस तरह से मैंने इसे रख दिया है। ये जो ऊपर का पार्ट मेरे पास बचा हुआ है इसे मैं आज इट इज़ मिट्टी में गमले में इस तरह से लगा दूंगी, और उम्मीद है ये जो नोड्स हैं यहाँ से नए नए बर्ड्स बहुत जल्दी आ जाएंगे जैसे ही इसकी रूट्स ग्रो होगी। और इसके जो पत्ते हैं उन्हें मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि गमले में लगाने के बाद हो सकता है कि नीचे के 1 से 2 पत्ते अपने आप गल जाएँ, तो उस वक्त ये अपने आप निकल जाएंगे, तो मैं इसे अब गमले में लगा देती हूँ। तो चलिए मैंने गमला भी तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने 4 गमले तैयार रखे हैं मिट्टी के साथ, और मिट्टी मैंने वही ली है हमेशा जब मैं बनाती हूँ वेल ड्रेन सॉइल, एक पार्ट जो मेरी गार्डन सॉइल होती है, एक पार्ट कंपोस्ट ली है और एक पार्ट मैंने सैड ली है। इसके अलावा जो मैं हमेशा मिलाती हूँ उसमें 1 मुट्ठी नीम खली और 2 से 3 चम्मच बोन मील और 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मैंने इसमें मिलाया है। तो इस तरह से ये जो कटिंग है ये मैं लगाने वाली हूँ। ये जो मेरे कटिंग का ऊपर का पार्ट था, ये मेरी कटिंग का नीचे का पार्ट है, तो इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी। हालांकि जो कटिंग्स हैं आप उसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, वर्टिकल लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, तो मैं दोनों जो तरीके हैं उनको ट्राई करूँगी। तो ये जो मेरी कटिंग है ये थोड़ी बड़ी है, तो मैं इसको सिंगल गमले में लगाऊंगी और इस तरह से मैं इसको, वैसे तो इसमें चारों तरफ से जो है नोड्स हैं, ये नोड्स होती हैं, इन्हें देख लीजिए ये चारों तरफ से मेरी इस कटिंग में मौजूद हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लगाती हूँ। तो मैं थोड़ी जगह बना लेती हूँ। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप इन प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिन वेट करते हैं और इसके रिजल्ट्स मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक आप अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।